गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारी हो चुकी है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का टॉपिक है आपका ये रिडोक्स रिएक्शन। देखो तो ये रिडोक्स वर्ड बना हुआ है, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एक तो इसमें रिडक्शन है, दूसरा ऑक्सीडेशन। रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिडोक्स वर्ड बना हुआ है, इन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो रिडोक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जिन केमिकल रिएक्शन में होगा, दीज रिएक्शन आर नोन एज रिडोक्स रिएक्शन। और ये रिएक्शन कंप्लीमेंट्री रिएक्शन है, साइड बाय साइड चलेंगी। ऐसा नहीं है कि किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो किसी स्पीसीज का रिडक्शन नहीं होगा, एक साथ दोनों होंगे, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे यहां पे, एक तो हम इसको डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के टर्म में। और एलिमेंट्स कौन से? दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिडॉक्स रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, इनको एलिमेंट्स के टर्म में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स कौन से? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा हम इसको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। तो ये दो मेथड हैं जिससे हम रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है एलिमेंट्स के टर्म में। एलिमेंट्स के टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, पहले उसकी डेफिनेशन देखो विद एग्जाम्पल। फर्स्ट है एलिमेंट्स के टर्म में ऑक्सीडेशन क्या होगा। पहले मैं बता रहा हूं कि एलिमेंट्स के टर्म में ऑक्सीडेशन क्या होगा, तो आप कह सकते हो यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी स्पीसीज में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। या हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर किसी स्पीसीज में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हम ये कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा है इसमें रिडक्शन, सेकेंड इज रिडक्शन एलिमेंट्स के टर्म में। तो रिडक्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीडेशन तो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां एडिशन है हाइड्रोजन का। अगर किसी स्पीसीज में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन, किसी स्पीसीज में एडिशन हो जाए हाइड्रोजन की तो रिडक्शन। या हम ये कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एलिमेंट्स के टर्म में डेफिनेशन है। इनके साथ साथ दो टर्म और यूज होते हैं, एक है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, तो व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एलिमेंट्स के टर्म में हो जाती हैं। दूसरा इसमें है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, तो व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीसीज होते हैं विच सप्लाई हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन सप्लाई करेंगे किसी दूसरे स्पीसीज को, उन स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा हमने टर्म पढ़ी इसमें रिडक्शन, यहां मैं बता रहा हूं आपको इसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीसीज होते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, विच सप्लाई ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका क्या होता है, रिडक्शन होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होंगे उनका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे उनका हो जाएगा रिडक्शन।
रिड्यूसिंग एजेंट क्या सप्लाई करते हैं? हाइड्रोजन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या सप्लाई करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो दोबारा एक बार देखेंगे, ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, इसमें दो टर्म और साथ साथ बताई हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या सप्लाई करेंगे? हाइड्रोजन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या सप्लाई करेंगे बेटा? ऑक्सीजन ये सप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको ये टर्म क्लियर हो जाएंगी। और ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, एलिमेंट्स की टर्म में हमने डिस्कस किया है। दो एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखेंगे रिएक्शन, Cu इज कॉपर, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर है मेटल। ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा, इट विल फॉर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड। दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, या इसको हम कॉपर टू ऑक्साइड भी नाम दे सकते हैं, कॉपर टू ऑक्साइड। इसका कलर होगा ब्लैक, ब्लैक कलर का ही है। अब आप देखोगे कि ये जो कॉपर मेटल है, बोथ दीज आर रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। आप देखोगे कि कॉपर के अंदर क्या ऐड हो गया? कॉपर के अंदर ऐड हो गई ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में कॉपर और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट हैं, प्रोडक्ट में कॉपर इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन ऐड हो गई कॉपर के साथ। तो हम क्या कहेंगे, कॉपर के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ गई, कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और जो दूसरा स्पीसीज है इसमें ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। कॉपर विल गेट ऑक्सीडाइज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि नेम दिस स्पीसीज विच गेट ऑक्सीडाइज, ऐसा स्पीसीज बताओ जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड विल गेट ऑक्सीडाइज, हम ये कहेंगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है? ऑक्सीजन का। तो कॉपर यहाँ पे कौन है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन किसका होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर ए, आर ए इज रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन का क्या हुआ इसमें? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? ओ ए। एंड वट इज ओ ए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, और कॉपर ऑक्सीडाइज होकर किसमें चेंज हो गया? कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर टू ऑक्साइड भी इसको हम बोल सकते हैं, जिसका कलर कैसा होगा? ब्लैक कलर का होता है। दूसरा स्पीसीज जो बच गया इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये कौन एजेंट कौन सा हो गया? दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज रिडोक्स रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, कॉपर टू ऑक्साइड की अगर मैं रिएक्शन कराऊँ हाइड्रोजन के साथ, बोथ दीज आर रिएक्टेंट, और इससे जो प्रोडक्ट बना कॉपर प्लस वाटर। तो आप देखोगे कि रिएक्टेंट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड है, प्रोडक्ट में इसकी ऑक्सीजन चली गई, तो जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो एग्जामिनर कई बार ये पूछता है कि रिएक्शन देके ये पूछ लेगा कि नेम दिस स्पीसीज विच गेट रिड्यूस्ड, जिसका रिडक्शन हुआ है वो स्पीसीज कौन है? तो हम ये कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर में कन्वर्ट हो गया। दूसरा जो स्पीसीज है, आप देखोगे कि हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में देखोगे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, और जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है उसको क्या बोलते हैं कि उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुआ इसमें हाइड्रोजन का, और रिडक्शन हुआ इसमें कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड इसमें क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन क्या है इसमें? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म्स कैसे आप डिफाइन करोगे, किस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हुआ है, किस स्पीसीज का रिडक्शन हुआ है। कुछ एग्जाम्पल और करेंगे बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर इसकी रिएक्शन हम करवाएं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब प्रोडक्ट इसमें जो बनेगा सल्फर प्लस वाटर। रिएक्शन को एक बार देखेंगे, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, प्रोडक्ट में है सल्फर और वाटर है,
अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर हम इसको कर सकते हैं। दो मोल उधर वाटर के हैं, दो ऑक्सीजन इधर होगी, दो ऑक्सीजन उधर हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मैंने इसको बैलेंस भी कर दिया है। तो आप देखोगे कि रिएक्टेंट में H2S सल्फर के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड है, प्रोडक्ट में देखोगे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो जिसका हाइड्रोजन चला जाए उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जिस स्पीसीज में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और आप देखोगे कि सल्फर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइंड है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में आप देखोगे कि सल्फर के साथ अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका ऑक्सीजन चला गया तो इसका हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होता है? जो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन सल्फाइड। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl, दिस इज मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देखोगे ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर, ये रिएक्शन है। आप देखोगे इसमें रिएक्टेंट में देखो मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड है, प्रोडक्ट में देखेंगे तो मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो जिसकी ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है उसका क्या होता है बेटा? उसका क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन जिसका होता है उस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीसीज होते हैं विच सप्लाई ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन अपनी बांट देंगे दूसरे को, जिनके अंदर से ऑक्सीजन निकल के किसी दूसरे स्पीसीज में ऐड हो जाएगी, दो स्पीसीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा। रिएक्टेंट में देखेंगे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड है, प्रोडक्ट में अगर जाएं क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो आप देखोगे कि क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन नहीं है तो वो कहीं चली गई दूसरे स्पीसीज के साथ। तो HCl का क्या हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है दी स्पीसीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो HCl यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट आप किसे बोलोगे। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन होता है दिस स्पीसीज आर, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक एग्जाम्पल और इसमें देखेंगे हम, लास्ट एग्जाम्पल है। जैसे रिएक्शन है आयरन Fe प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आप पढ़ के आए हो कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, सॉरी Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। तो देखोगे कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो इसमें जो प्रोडक्ट बना Al2O3 प्लस आयरन। इस रिएक्शन में आप देखो कि जो ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में वो आयरन के साथ जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में किसके साथ कंबाइंड है? एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन है। तो आप देखोगे कि रिएक्टेंट में जो आयरन के साथ ऑक्सीजन है अब रिमूव हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो जो आयरन ऑक्साइड है फेरिक ऑक्साइड उसका क्या हुआ है? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। दूसरा देखेंगे एल्यूमिनियम बच गया आपका, रिएक्टेंट में जो एल्यूमिनियम है इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, प्रोडक्ट में गए तो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो एल्यूमिनियम का क्या हुआ बेटा? इसमें ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होता है? जो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनका क्या हुआ है? रिडक्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रिडॉक्स रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसके टर्म में? एलिमेंट्स के टर्म में थे। अब सेकंड है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप कैसे बोलोगे? इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में आप देखोगे फर्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
एटम और आयन, किसी एटम के अंदर से या किसी आयन के अंदर से, आयन्स क्या होते हैं पढ़ के आए हम लास्ट ईयर, चार स्पीसीज होते हैं कैटायन्स एंड एनायन्स। तो ये आयन आपका कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है, जिसका क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। कैटायन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, एनायन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस जो होगा उसको हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और आयन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो स्पीसीज क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो स्पीसीज होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देते हैं, ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है किसी एटम या किसी आयन से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। दूसरा इसमें है रिडक्शन, रिडक्शन में है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एटम और आयन, एटम और आयन। कोई एटम या आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा इस टर्म को हम बोलेंगे रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है रिडक्शन होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से आप देखोगे कि आपको क्लियर हो जाएंगे दोनों टर्म। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में, कॉपर प्लस Cu2 प्लस प्लस कॉपर, कॉपर पे 2 प्लस चार्ज है, इसका मतलब कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, और मैं इसके साथ लिख रहा हूं यहां पे जिंक। किसी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन है, जो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किए हुए है। जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। इसमें प्रोडक्ट में आप देखोगे Zn2 प्लस प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो आप देखोगे कि रिएक्टेंट में जिंक पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोडक्ट में चार्ज आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आता है बेटा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आप देखोगे कि जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो यहाँ पे लॉस है इलेक्ट्रॉन का, जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जैसे आप देखोगे कि जिंक ने एक एटम जिंक का जो है उसने दो इलेक्ट्रॉन का क्या किया लॉस किया, तो जिंक का क्या हुआ इसमें ऑक्सीडेशन। तो ऐसे अगर कोई पूछ ले आपसे नेम द स्पीसीज विच गेट ऑक्सीडाइज, तो हमें Zn2 प्लस आयन नहीं बोल के हमें क्या बोलना है जिंक बोलना है। कई बच्चे गलती से लिख देते हैं कि Zn2 प्लस आयन विल गेट ऑक्सीडाइज, नहीं, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है Zn जो कि जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन आप देखोगे कि किसका हुआ है, आप देखोगे कि रिडक्शन इसमें Cu2 प्लस आयन जो क्यूप्रिक आयन है, Cu2 प्लस मीन्स कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में देखेंगे इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब कैटायन से कोई न्यूट्रल एटम बन गया है यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने से हुआ है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं कॉपर ने, तो कॉपर Cu2 प्लस का क्या हुआ है यहाँ पे रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो स्पीसीज क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, Ra है, Ra इज रिड्यूसिंग एजेंट, और जो कॉपर है Cu2 प्लस जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसका क्या हुआ है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे बेटा इसमें, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे Zn प्लस 2H प्लस, देखोगे आप पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन से आता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो जब ये प्रोडक्ट में बदल गया Zn2 प्लस प्लस H2, आप इसमें देखोगे कि जिंक जो रिएक्टेंट में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव चार्ज आया है। पॉजिटिव चार्ज किसी स्पीसीज पे ऑक्सीडेशन से आता है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, तो जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। जिंक का इसमें क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होता है जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है
ऑक्सीडेशन। रिएक्टेंट में देखेंगे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, प्रोडक्ट में गए तो कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसने। इलेक्ट्रॉन जब इसने गेन किए हैं तो गेन जब इलेक्ट्रॉन का होगा, गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कहेंगे उसका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किसका होगा, उन स्पीसीज को हम क्या बोल लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल लेंगे। तो इसमें एच प्लस आयन का क्या हुआ है, रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें एच प्लस आयन है, रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन है, जिंक। तो कोई अगर रिएक्शन में आपसे पूछे नेम दिस स्पीसीज विच गेट रिड्यूस्ड, तो हमारा आंसर होगा एच प्लस आयन विल गेट रिड्यूस्ड, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेम दिस स्पीसीज विच गेट ऑक्सीडाइज, तो हम ये कहेंगे जिंक वो स्पीसीज है जिसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट का, और रिडक्शन किसका होगा, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे एच प्लस आयन्स हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन है, जिंक है। तो आज की हमारी रिएक्शन थी ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं रिडोक्स रिएक्शन, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम एलिमेंट्स के टर्म में और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में एक बार दोबारा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, जो कि क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल दे के आपको ये पूछा जाता है नेम दिस स्पीसीज विच विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड नेम दिस स्पीसीज विच विल गेट रिड्यूस्ड, नेम दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड नेम दी रिड्यूसिंग एजेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।